हमने तो एक महीना पहले उसको बताना चाहिए कि उन्होंने तो एक महीना पहले विधानसभा के अंदर विश्वास मत हासिल किया है और कांग्रेस को अविश्वास था, हमने विश्वास मत हासिल किया है, आगे जब समय आएगा हम फिर विश्वास मत हासिल करेंगे। ये झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। केजरीवाल वो अभी तिहाड़ जेल के अंदर है, वहाँ से अंतरिम जमानत के ऊपर वो आया है, और वो व्यक्ति जो इस प्रकार की हामी भरता था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊँगा, कभी भी समझौता नहीं करूँगा। कथित शराब घोटाले मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं। उनके बाहर आते ही सियासी पारा चढ़ गया है। रविवार को दिल्ली के सीएम ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी इस बार अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। हरियाणा सीएम नायब सैनी ने भी जोरदार पलटवार करते हुए उन पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल कहते हैं कि अमित शाह मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे, ना कि नरेंद्र मोदी। देखिए, क्योंकि ये झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। केजरीवाल वो अभी तिहाड़ जेल के अंदर है, वहाँ से अंतरिम जमानत के ऊपर वो आया है, और वो व्यक्ति जो इस प्रकार की हामी भरता था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊँगा, कभी भी समझौता नहीं करूँगा, अगर सोनिया गांधी की जांच कराई जाए तो ये जेल में जाएगी, अगर मेरे ऊपर चार्ज लग गया तो मैं त्याग पत्र दे करके जांच कराऊँगा, मैं कोई गाड़ी नहीं लूँगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेने का काम किया है। उन्होंने कहा था कि मैं एक साधारण आम आदमी हूँ, साधारण घर में रहूँगा। आपने देखा, शीश महल बनाने का काम भी उसी ने किया, और वो सबसे ज़्यादा ये बात बोलता था कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है। वो कांग्रेस से भी चार कदम आगे निकला। जो व्यक्ति कांग्रेस को गाली देता था और जो कांग्रेस जिसको गाली देती थी, दोनों आपस में गले मिल गए हैं। उनका गले मिलने का कारण ये नहीं है कि वो देश का भला करेंगे या देश के लोगों का भला करेंगे, वो तो झूठ का सहारा लेकर के लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करके उनको बरगलाने का काम करते हैं। वहीं सीएम सैनी ने बहुमत परीक्षण कराने के विपक्ष की मांग पर पलटवार करते हुए कहा कि हम एक माह पहले ही विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर चुके हैं, आगे जब समय आएगा तो हम फिर विश्वास मत हासिल करेंगे। अभी जरूरत कांग्रेस को है कि वो अपने विधायकों की परेड राज्यपाल के सामने कराए। हमारी सरकार की आपको विधायकों का प्रदर्शन करना चाहिए राज्यपाल के आगे। विधायकों का प्रदर्शन कांग्रेस करेगी या हम करेंगे? हमारे तो पूरे हैं। हमने तो एक महीना पहले उसको बताना चाहिए कि उन्होंने तो एक महीना पहले विधानसभा के अंदर विश्वास मत हासिल किया है और कांग्रेस को अविश्वास था, हमने विश्वास मत हासिल किया है, आगे जब समय आएगा हम फिर विश्वास मत हासिल करेंगे। परेड तो उन्होंने करनी चाहिए, अगर उनको लग रहा है कि विधायक कम हैं तो परेड करके वो दिखाएँ आप महामहिम राज्यपाल महोदय को, हमारे पास जब विश्वास मत की बात आएगी हम उसको पूर्ण करेंगे। बता दें कि करनाल विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ रहे सीएम नायब सिंह सैनी ने शहर में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान उन्होंने जनता से खुद के साथ साथ करनाल लोकसभा सीट से लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए भी समर्थन मांगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।